सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक्चुअली आज मैं जो है ये क्यूबो का प्रो डैश कैम जो GPS मॉडल में आता है उसका एक छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्चुअली अक्टूबर महीने में 2022 पे लिया था। ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गया और नियरली ये कैमरा लेने के बाद मैं 2000 किलोमीटर के आसपास मैंने गाड़ी चला भी लिया। तो एक मैं नॉर्मल सा रिव्यू अभी मतलब मैं दे सकता हूँ इसके ऊपर। तो पहला चीज़ यही है, ये कैमरा में कुछ मतलब मुझको तो कुछ कनेक्टिंग इशू नहीं आया, और कोई कोई लोग कमेंट कर रहे थे कि इसमें कुछ हीटिंग इशू आ रहा है क्या नहीं। तो एक्चुअली मैंने ये चीज़ जब मंगाया था तो यहाँ पर मतलब विंटर टाइम था, तो उतना कुछ हीटिंग इशू मुझको तो अभी तक लगा नहीं। हालाँकि अभी जो है मार्च महीने आने वाला है, तो अगर अभी कुछ मतलब हीटिंग इशू आएगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा, लेकिन एज सच अभी तक कुछ मुझको हीटिंग इशू इसमें नहीं आया था। बट हाँ, एक बार जो मैं अमेजोन से ये 128 GB का एक कार्ड मंगाया था, क्योंकि इधर मैंने मतलब 16 GB का कार्ड लगाया है ऑलरेडी, मेरा जो पुराना एक कार्ड था 16 GB मेमोरी कार्ड वो लगाया था, बट मैंने 128 GB का एक अमेजोन से मतलब मंगाया था ये कार्ड, बट ये उसमें सपोर्ट नहीं किया था। तो ये जो है ये मैं दूसरे जगह लगा दिया ये जो मेमोरी कार्ड है। बट अगर आप कोई भी मतलब 128 GB या 64 GB कोई भी कार्ड अगर मतलब आप मंगा रहे हो तो पहले अगर आप देख लो जे इसमें सपोर्ट करता है क्या नहीं। लेकिन जो इधर का जो स्पेसिफिकेशन है, ये स्पेसिफिकेशन देख के ये जो है A1 जो HD AC ये सब स्पेसिफिकेशन उसमें भी सपोर्ट करता था। इधर देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है HD कार्ड सपोर्टेड, एंड ये जो कैमरा है इसमें 256 GB तक HD कार्ड सपोर्ट करता है, बट उसमें ये चीज़ सपोर्ट नहीं किया। कैमरा में लगाने के बाद भी उधर बोल रहा था जे फॉर्मेट मारने के लिए, फॉर्मेट मारा बट काम नहीं किया। और इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है, जो जॉल डिटेक्शन करके 3D में जॉल डिटेक्शन करके मतलब अगर आप गाड़ी चलाते चलाते एक जो मतलब हार्ड ब्रेकिंग अगर आप कर रहे हो तो ऊपर से गाड़ी अगर आप जाएगा तो कुछ जॉल डिटेक्शन करके एक 3D में ये चीज़ एक नॉइस करता है, वो चीज़ मुझको मतलब बहुत ही इरीटेट करता है। हालांकि ये चीज़ एक्चुअली मतलब है बेनिफिट, अगर मतलब गाड़ी मतलब भगवान ना करे कोई मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो उस टाइम का एक छोटा सा रिकॉर्ड ये कर रहा मतलब कर लेता है, तो उसके लिए ये जॉल डिटेक्शन एक चीज़ है। बट ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहेगा, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये आप लो मीडियम या हाई कर सकते हो, बट ये चीज़ आप ऑफ नहीं कर सकते हो। यही मुझको एक ड्रॉबैक लगा। और मैंने ये चीज़ मतलब ये जो GPS ये लिया था 4500 के आसपास, तो अकॉर्डिंग टू मी मतलब इस बजट पे जो GPS वाला कैमरा है आपको नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें एक ही मिलता है, और एक है आई थिंक उसका कंपनी का नाम 7DMI ऐसे करके कुछ है, उसमें ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास आता है। हालांकि उसमें दो कैमरा है और GPS मॉडल है, और एक सिंगल कैमरा भी आता है वो उस कंपनी का, ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास प्राइस है। बट ये कैमरा जो है 4,500 to 5,000 के आसपास आपको मिल जाएगा, एंड ये हीरो ग्रुप का एक्चुअली सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो क्यूबो। तो अगर आप एफोर्डेबल प्राइस पे एक मतलब डैश कैम लेना चाहते हो तो इस कंपनी का आप कंसीडर कर सकते हो। हालांकि इसका एक नॉर्मल वर्शन भी है, उसका ऑलमोस्ट 3,800 to 4,000 के आसपास प्राइस होगा, उसमें GPS नहीं है। ये GPS जो है ये सिर्फ मतलब जो स्पीड का एक काउंटिंग दिखाता है और कोई भी नहीं। अगर ये GPS से आप गाड़ी का कुछ ट्रैक वगैरह नहीं कर सकते हो, तो हालांकि जो फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें है ये ऐप, मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसमें कुछ भी अभी तक कुछ कनेक्टिंग का इशू कुछ भी नहीं आया। सो क्यूबो का ये ऐप है, देखो इधर मैंने 5 डैश कैम बल्कि मतलब 5 डैश कैम करके सेव करके रखा, नहीं तो क्यूबो का डैश कैम दिखाता है। देखो इधर जो है ये टोटल ऐप है, ऐप का जो इंटरफेस इधर ही है, ये लोड हो रहा है। ये देखो ये लाइव फुटेज देख सकते हो, इधर देखो ये आपको मतलब इंटरनेट से नहीं नॉर्मल कैमरा का वाईफाई से फ़ोन का वाईफाई पे चलेगा। तो ये है देखो जो मैं बोल रहा था जो जॉल डिटेक्ट करके दे दिखाता है, ये है वो चीज़। और आपको इधर ये देखो
मेरा गाड़ी अभी ऑफ है, तो इसके लिए जो किलोमीटर मतलब स्पीडोमीटर ये दिखाता है, इधर टाइम है नॉर्मल, जो डेट, और एक मिनट ये देखो, इधर आपको लोकेशन दिखाएगा, मैं किधर खड़ा हूँ अभी, दिल्ली रोड पे हूँ, तो इसके लिए ये चीज़ इधर दिखा रहा है। हालांकि मैंने ये कैमरा अभी फैक्ट्री रीसेट किया, नहीं तो मतलब कहाँ से मैं आया हूँ मतलब ये चीज़ पूरा दिखाता है इधर, ठीक है। और ये टाइम लैप्स के लिए है नॉर्मल, और इधर से मैं एक पुराना कुछ रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, देखिए इधर है ओवर स्पीड डिटेक्टर दिखा रहा है, लेकिन ये मतलब ओवर स्पीड मैं कर नहीं रहा था, अभी देख लो इधर आएगा, ये देखो अब देख सकते हो इधर मतलब 30 KMP देख रहा है स्पीड पे, 30 से मतलब 35 मैं ज़्यादा से ज़्यादा चला रहा हूँ इधर, तो मैं 80 के ऊपर नहीं चला रहा होता, तो ओवर स्पीड मतलब ये कुछ इशू है। और ये मैं जो बोल रहा था जॉल डिटेक्ट करके, जो है देखो 14 फरवरी का है, रात को 8 बजे का एक फुटेज, क्योंकि मेरे ये कैमरा पे 16 GB का कार्ड है ना, तो इसके लिए मतलब ज़्यादा पुराना ये स्टोर नहीं कर पाता, ऑलमोस्ट यू कैन से कि एक दिन का पुराना आपको ये चलेगा, क्योंकि वो 14 फरवरी के बाद आज ही मैं गाड़ी लेकर निकला हूँ, तो मतलब एक दिन का पुराना अगर आपको चल जाएगा, मतलब ये समझ के चलो कि 4-5 घंटा ये 16 GB कार्ड रिकॉर्ड कर लेगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें एक फीचर्स है लूप रिकॉर्डिंग, तो पुराना जो फाइल है वो डिलीट करके नया फाइल ले लेगा। लेकिन मैं सोच रहा था कुछ दिन बाद मैं 32 या 64 GB कार्ड मैं लूँगा, तो देखता हूँ क्या होता है। अभी के लिए 16 GB कार्ड से काम चल रहा है, तो मैं मतलब ठीक है। और मैंने 128 GB का तो कार्ड मैं मांगा था, लेकिन वो इस कैमरा पे सपोर्ट नहीं किया है, तो उसका एक दिक्कत है। और कभी कभी ये ऐप में भी मतलब चीज़ें कनेक्ट नहीं होता है, तो इसका भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है इस कैमरा पे। बट हाँ, ये आप बोल सकते हो 4,500 रुपये में आपको GPS वाला जो डैश कैम है वो मिल रहा है, तो इससे और क्या ही आप एक्सपेक्ट करोगे, तो यही चीज़ है। बट हाँ, एज ऑफ नाउ ये ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका काम चल जाएगा, ऐसा ये कैमरा है विथ मतलब जो स्पीड है स्पीड रिकॉर्ड के साथ। तो दिस इज़ फॉर नाउ, एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।